तो भाई रात के 1 बजे जा रहे हैं हम अफजल भाई की मेहंदी में शिरकत करने। 12 बजे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो अंधेरा है और सर्दी का मौसम है, मुझे तो 1 नहीं 2 बजते नजर आ रहे हैं। और 1 बाइक है और 5 लोग बैठे हैं। खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। अगर कोई इधर पकड़ ले तो मैं एडिट करके अपलोड नहीं करूँगा, वो ही करेगा। हम बारिक हो अफजल भाई। मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। रिलैक्स हो रहे हैं? मैं रिलैक्स हूं भाई। घबराना नहीं है आपने? ओके। आपके होते कोई क्या टेंशन है? घबराना ही बड़ा हरामी हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वो यार ओंडा में तो अफजल भाई के वली में और मेहंदी में शिरकत करने के लिए मैं इमरान और दिलशान भाई जा रहे हैं। तो 10 से 15 मिनट के अंदर हम अफजल से मिलेंगे, तो आपको दूल्हा भी दिखा देंगे कि हालत से मिल रहा है। तो 2 बजे का टाइम था, तकरीबन 4 से ऊपर हो रहे हैं अभी, 2 घंटे लेट हैं हम। तो बार बार कॉल आ रही है अफजल की, और ना मुझे लगता है मतलब वहाँ जाके हमें कहना पड़ेगा भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्योंकि वो कह रहे हैं खाना खिला दिया है सबको, सारे दोस्त आ गए मगर आप लोग नहीं पहुँचे। तो भाई हम तैयारी श्यारी में लेट हो गए थे, बाकी अल्लाह वारी से पहुँचेंगे अभी, अफजल भाई से मिलेंगे, उसके बाद उनके प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बाइक भी बड़ी तेज़ी के साथ ड्राइव कर रहे हैं हम, ताकि जल्दी से पहुँचे इंग मोड के इलाके और यहाँ के देहात और यहाँ का हरा भरा सब्जा फसलें। ज़बरदस्त यार, कितनी फसलें इधर। गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि सीज़न चल रहा है अभी। मकई भी। ये देखें गाइस, ब्यूटी ऑफ विलेज। ये सुआ है जो खुश्क हुआ पड़ा है सारा। ये कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से गुजर रहे हैं इस वक्त हम। ज़बरदस्त सीन है, फुल फ्रेश इन्वायरमेंट है। फसलें ही फसलें, गुलाब के फूल लगे हुए हैं जगह जगह पर। अभी हम थोड़ा लेट हैं इसलिए जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, वरना आपको दिखा दें यहाँ गुलाब के फूल लगे हुए हैं। ये देखें रास्ते बनाया नहीं, इससे बढ़िया हुआ है। बात चुना कपड़ा करना कि कहीं ना फट नहीं दिए तो क्या चीज़ है? खजूर है। खजूर लगी, खजूरें नहीं लगती। ये खजूरें फल नहीं देती वैसे, सही होते हैं जमीन से आ गए। हाँ, ये वो होती है सजावट वगैरह के लिए लेके जाते हैं लोग, रास्तों पर लगाते हैं लोगों को वेलकम करने के लिए। ये सामने अफजल भाई का घर आ गया है, शादी वाला घर सामने अफजल भाई का घर। ये लाइटिंग वगैरह करी हुई है सामने। ये भाई हवेली है, जानवर वगैरह बांधे हुए हैं। ये देख सकते हैं इन्वायरमेंट आप, ये जानवर और ये मुर्गियाँ। ये देखें भाई, बर्गर बचे पहली दफ़ा गांव में। ये भाई देखें रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, तो इमरान को देखें किस तरह चल रहा है, क्योंकि सुबह भी पहननी है ना चप्पल, ख़राब ना हो जाए पानी। मैं दूसरा जूता लेकर आया, पिछली दफा जब मैं आया था ना ये सारे डस्ट मेरे मुंह पर थी, आज मैं ना आया दूसरे रास्ते से, पक्के रास्ते से। समझदार हो गया भाई, आज डस्ट जूतियों पे भी नहीं पड़ने दे रहा, पिछली दफा मुंह पे पड़ी थी इसलिए। तो भाई इस वक्त हम दूल्हे मियाँ के साथ बैठे हैं फाइनली, अफजल भाई के। तो एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो। और एडवांस अब क्या उसी रहेगी भाई, क्या तासुरात हैं आपके? 1 दिन बकाया, समझ रहे हो? तासुरात तो आपको पता ही है जो होते हैं दूल्हे के, अपने जब शादी होती है ना बंदे को कोई खुशी नहीं होती। तो आपके लिए बेस्ट विशेस, बहुत इंशाल्लाह। थैंक यू। तो अभी हम पहुँचे ही हैं, लेट हो गए थे उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ तो गए मेरे लिए इतनी। तो ये खाना भी लग गया है। हाँ इमरान भाई, शुरू करें? शुरू तो करना ही पड़ेगा, वैसे तबीयत बहुत अपसेट हो रही है। अच्छा, बस कोई नहीं, मेडिसिन फिर मेडिसिन खाते हैं। हाँ, मेडिसिन भी दिलवाते हैं आपको। ये खाना आ गया है, खाना खाते हैं। चश्मा उतारो ना सर। लो जी, खाना शुरू हो गया है हमारा, बिजी हैं सारे। हाँ तो भाई खाना खा लिया है, और बुरी खबर ये है कि इमरान भाई को बुखार हो गया है और सर्दी लग रही है काफ़ी, इसको चादर भी दे दी है। सुबह से ना तबीयत थोड़ी सी डाउन थी,
मेडिसिन में लेता रहा हूँ, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत डाउन हो रही है। हाँ तो ये दुआ करो जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। हाँ यही दुआ है, इसको मेडिसिन वगैरह दिलवाते हैं ताकि थोड़ा सेट हो, फिर उसके बाद ये भी शुगर करे और हम भी। तो खाना वगैरह खा लिया है, अब फुल हो गए तो कहीं पर बैठ के चाय पीते हैं। ये भाई शादी का टेंट लगा हुआ है, इधर हमने खाना खाया था। ये देखें हमारा दोस्त क्या कर रहा है, फूल सूंघ रहा है, फूल खा रहा है भाई, इसने खाना थोड़ा खाया इसलिए। इस वक्त हम गुलाब के फूलों के दरमियान हैं, काफ़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पर फूलों की। ये देख सकते हैं आसिन है, बिल्कुल रेड रेड नज़र आ रहा है, ऊपर फूल निकले हुए हैं डिफरेंट कलर के, ये पिंक कलर के हैं, ये देख सकते हैं आप। ये तोड़ के हम टेस्ट करते हैं तो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। ताज़ा फूल है, यकीन करें खाने का दिल कर रहा है इनको, लोग पता नहीं क्यों फेंकते हैं इनको। ये देखें आप सामने ये सारे फूल लगे हुए हैं, और ये शादी वालों का घर है, और पीछे टेंट लगा हुआ है जिधर खाना खाया है। ये दोस्त खड़े होकर गपशप कर रहे हैं। यार ये देखें, पहले ज़माने में ये लगाए जाते थे, इधर अब भी लगे हुए हैं। तो ये लाइटें चलती हैं डिज़ाइनिंग के साथ, लोहे की सलाखें, तो ये लाइटें ऑन होती हैं तो नाइट को ज़बरदस्त सीन होता है। सामने ये देखें लाइन में लगाए हुए हैं, तो जब ये रात में ऑन होंगे फिर आपको दिखाएंगे क्या ज़बरदस्त सीन होगा, कलरफुल। ये देखें फाइटिंग मुर्गा है, डर भी नहीं रहा, हम बिल्कुल करीब खड़े हैं इसके, तो ख़तरनाक मुर्गा है, अगर ज़्यादा करीब होंगे तो ये अटैक कर सकता है हमारे ऊपर, डर नहीं रहा बिल्कुल, शेर है पूरा। ये खेतों के दरमियान से अपना रास्ता निकाल लिया है हमने, तो कीर भाई के साथ बैठ के जा रहे हैं हम, तो ज़बरदस्त यहाँ खेतों में भी बाइक चलाई जाती है। तो वैसे तो कीर भाई गांव के जो ड्राइवर होते हैं ना वो पक्के ड्राइवर होते हैं, क्योंकि वो खेतों में भी चलाते हैं कच्चे रास्तों पर, छोटे छोटे रास्तों पर। तो ये पक्का सब ड्राइवर होते हैं। रात को हम निकल गए यहाँ पर बाहर, तो अभी मगरिब के बाद का टाइम है, इस तरह लग रहा है जिस तरह रात के 2 बज चुके हैं। ये सामने देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, बहुत ख़तरनाक है भाई, भाई बहुत ख़तरनाक रास्ता है, हमें तो डर लग रहा है, जो हमारा ड्राइवर है ना वो इन रास्तों का खिलाड़ी है, वो नहीं डर रहा। यस आप भी कभी गांव में आए, आपके साथ ऐसा बंदा होना चाहिए बिना खौफ खतर, वरना हमारे जैसे तो पैदल ही नहीं चल सकते यहाँ पे। यकीन करें यहाँ पे ये देखें घर बने हुए हैं, उसके बावजूद फुल कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं जल रही कहीं। हाँ लाइट भी नहीं जल रही, लोग लाइटें बंद करके लेटे हुए हैं, बड़ा डेंजरस सीन है यार। हाँ तो गाइस इस वक्त हम दोस्त के रूम में मौजूद हैं, तो इमरान भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब है जिसकी वजह से वो ब्लैंकेट में लेट कर सो रहे हैं। तो एक हमारा क्लासमेट है वो लाहौर से आ रहा है, तो रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं, अभी तक वो पहुंचा नहीं है, अभी आधा पौना घंटा लेट है। तो बाकी जो सारे दोस्त हैं गैदरिंग वो उनको पिक करने शहर गई हुई है बाइकों पर, तो क्योंकि यहाँ पर रात को ख़तरा भी होता है, कोई डकैत वगैरह पड़ सकते हैं, तो 2-3 बाइकों पे गए हैं उसे लेने के लिए। तो हम दोनों इस वक्त रूम में बैठे हैं, तो अब उसको लेकर आएंगे तो उसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे उस्मान भाई से। तो सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है इस वक्त, तो हम रूम में बैठकर रेस्ट कर रहे हैं कंबल में। हाँ तो गाइस ये दोस्त का डेरा है जहाँ पर हमारा नाइट स्टे, ये सामने हमारा रूम है, तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और बाहर मैं सहन में घूम रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप हर तरफ अंधेरा है। तो भाई गांव का अलग ही सीन है, तो सब लोग टाइम से सो जाते हैं और सुबह सुबह अजानों के टाइम 4-5 बजे सब लोग उठ जाएंगे। तो इस वक्त हम बिल्कुल एक रूरल एरिया में मौजूद हैं, तो इन्होंने जो टीवी की डिश है वो भी ज़मीन पर रखी हुई है, और सामने कच्चे घर हैं, रात का वक्त है इसलिए आपको दिखा नहीं सकते, वरना यहाँ पर कच्चे घर अभी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टे, अंदर इमरान भाई सो रहे हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी दोस्त अभी आए नहीं है, तो आएंगे सबसे मुलाकात भी करवाएंगे। भाई ये डेरे का सीन होता है, ये देख सकते हैं
चेयर पड़ी है, चारपाई रखी है, उसके अलावा रक्षा खड़ा है। यहाँ पर गांव के लोग आकर बैठते हैं, गैदरिंग होती है शाम के वक़्त। अभी सब लोग जा चुके हैं और सो रहे हैं अपने अपने घरों में। ओए 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 अब्बासी वेलकम, रात के 12 बजे अब्बासी साहब शादी में आ गए। कैसा अब्बासी आ गया फाइनली रात के 12 बजे। ये लोग बन रहा है कैसा रहा सफर? सफर भाई पैदल रहा, मुझे आधा रास्ता तो पैदल आए हो मेरे भी सोना। हाँ भाई कैसा था? आप इसको लेने गए थे रात के 12 बजे जंगलों से गुजर के। वो कहते हैं ना वो होकर कानों तक आ गई है लानत। हाँ तो भाई रात के 1 बजे जा रहे हैं हम अफजल भाई की मेहंदी में शिरकत करने। 12 बजे बजे। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। जो अंधेरा है और सर्दी का मौसम है, मुझे तो 1 नहीं 2 बजते नजर आ रहे हैं। और एक बाइक है और 5 लोग बैठे हैं। अब्बासी भाई का स्वागत किया है हमने ड्राइवर बना के खुद सर्दी के अंदर। ये देखें हम 5 लोग बैठे हुए हैं और अफजल भाई की मेहंदी में जा रहे हैं। हाँ खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। अगर कोई इधर पकड़ ले तो मैं एडिट करके अपलोड नहीं करूँगा, वही करेगा। सामने लाइटें नजर आ रही हैं, अफजल भाई का घर है। गियर नहीं डाल रहा हम उसके निशान क्या रोला हुआ है? पिछन लगता ही नहीं, एक पहले दे है ना दूसरा पिछन भी लगता है। ओह सॉरी शाबाश बेटा आ गए यहाँ से खेतों में उतर के जाना पड़ेगा, रास्ता खत्म हो गया है भाई। तो अब भाई पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि रास्ता यहीं तक था, कच्चा रास्ता था। आगे यहाँ खेतों से गुजर के जाना पड़ेगा, रास्ता नहीं है परमानेंट कोई। ये बाइक उतार ली है हमने खेतों में तो अब जा रहे हैं। लो जी अब्बासी उतर गए। तो ज़बरदस्त यार अब्बासी, अच्छी ड्राइविंग की आपने आज। हमारे कैमरा मैन के लिए भी थोड़ा। हाँ तो भाई ये मेहंदी पर आ गए हम अफजल भाई के। हाँ कंफर्टेबल हो गई अब तो मेहंदी कौन सी रह गई है? सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए आए हैं मतलब। हमारी मेहंदी हो गई, बाकी दिलशाद ने चैनल के बारे में बता दो। ये दिलशाद का चौथा लड्डू है ये भी बता दे। शर्म शर्म करो शर्म। दिलशाद ने खाना नहीं खाया था कि भाई मैंने उधर जाकर खाया था। हाँ सही। हाँ चलो टोटल मिला के 7 एक लड्डू हो गए उसके। 7 हो गए चलो सही है। मुबारकबाद है मेहंदी हो गई अब। हाँ साहब की मुबारक हो अफजल भाई। मुबारक भाई बहुत शुक्रिया आपका। फीलिंग्स हो रहे हैं? रिलैक्स हो गए। घबराना नहीं है आपने? ओके आपके होता है कोई क्या टेंशन है? घबराना ही बड़ा हरामी हो बेटा। गिदड़ों की आवाजें आ रही है, मजाक नहीं। अब रात खामोशी से सुना दे रहा है। रात का 1 बज चुका है। ये देखें हमारे पास गीदड़ से हमारे पास गीदड़ से भी ज्यादा खतरनाक बंदा है, उसने आवाज निकाली है गीदड़ की। तो भाई यार अब तो अफजल की मेहंदी से फ्री हो गए तो अब वापिस जा रहे हैं हम, खेतों से गुजर रहे हैं। तो भाई अभी बाइक लेके आएंगे तो फिर आगे रोड पे वो लेके आ जाएंगे तो फिर बैठेंगे हम। तो अभी खेतों से गुजर रहे हैं, रात का तकरीबन 1:30 बज चुका है। तो सख्त सर्दी का मौसम है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। और डर का माहौल है। हाँ डर का माहौल भी है भाई, बहुत खतरनाक सीन है, अंधेरा कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई कैसा फील हो रहा है? मेहंदी से वापसी होगी हमारी फुल सर्दी के अंदर। जो लड्डू खाया वो जम रहा गले में। ऐसा ही है यार, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। मुझे वो छोटा बच्चा याद आ रहा है वो जो वीडियो में आता है आजकल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वापसी में एक फायदा हो गया, एक बाइक और हमारे साथ में नहीं है। हमारे साथ वाला लमक रहा था खाना। हाँ हाँ वो भी 4 बैठे हैं और हम भी 4 बैठे हैं, तो एक हमारी सवारी कम होगी, एक साथ के पार्टनर मिल गए तो हमारा सफर। पार्टनर भी हमें 90 साल का बंदा मिल गया। तो
तो हमारा सफ़र थोड़ा रिलैक्स और क्या कहते हैं कंफर्ट हो गया है। तो आज का व्लॉग फिर इधर ही एंड करते हैं इतनी सख्त सर्दी के अंदर। तो कल अफजल भाई की बारात में आपसे मुलाकात होगी, कल का व्लॉग बारात व्लॉग होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट करें, चैनल को कल्चर दिखाएंगे कल, कल्चर कल मेवातियों का कल्चर दिखाएंगे आपको मिल मिलकर। कल ने हम तो मेवाती को कल्चर दिखाएंगे, अभी हम कहते थे अपना छोरा की ना छोर छोरे तो ब्याह करें ये मेवाती में बता रहे थे। तो कल आपको मेवाती कल्चर दिखाया जाएगा। तो यार इतनी सर्दी में व्लॉग बना रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो कल आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।